फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को इस ब्लाउज का कटिंग बताऊंगी। ये ब्लाउज 42 साइज है, तो बैक साइड की तरफ से भी डीप नेक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस ब्लाउज का डीप बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए किस तरीके से इस ब्लाउज को कटिंग करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख देती है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। तो चलिए अस्तर को 2 फोल्डिंग करके ले लूँगी। मैंने यहाँ पर जितना तक मेरा ब्लाउज का साइज है उसी के हिसाब से फोल्डिंग करके एक्स्ट्रा 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा फोल्डिंग किया है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक कितना तक फोल्डिंग करना है आप अपने हिसाब से फोल्डिंग करके लीजिए। तो चलिए ब्लाउज का लंबा यहाँ से कितना तक लेना है ये ब्लाउज देखिए, तैयार होगा 14.5 इंच तक और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच, तो टोटल 15.5 इंच का ब्लाउज का लंबाई रखूँगी। तो चलिए अभी यहाँ से ब्लाउज का शोल्डर लेना है। ब्लाउज का शोल्डर रखूँगी यहाँ से 6 इंच। फिर चलिए आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। आर्मोल लेके कितने इंच तक लेना है इस ब्लाउज के लिए, मैं यहाँ पर आर्मोल 6 इंच तक आर्मोल रखूँगी। जब मैंने 38-40 साइज काट किया है तो उस टाइम पे 0.5 इंच तक रखता है, तो मैंने यहाँ से 6 इंच तक रखूँगी। आर्मोल भी अपने हिसाब से ही लेना है, जैसे कि यहाँ पर साइज़ बढ़ जाएगा तब आर्मोल का साइज़ भी बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए नेकलाइन 2 इंच तक ही रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। चलिए बैक साइड की तरफ से डीप नेक लेना है। यहाँ से कितना तक लेना है, पहले यहाँ से 1/2 इंच तक सिलाई के लिए छोड़ दिया और यहाँ से देखिए 3 इंच तक लिया है और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ऊपर की साइड की तरफ से 1/2 इंच लूँगी, तो 3.5 इंच तक लिया है। तो यहाँ से डीप नेक का चौड़ा रखूँगी 2.5 इंच तक। तो चलिए यहाँ से राउंड नेक का ही शेप लगा दूंगी, आप अपने पसंद के हिसाब से लगाना है। बैक साइड की तरफ से डीप नेक को शेप लगाने के बाद, तो चलिए यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट का मेजरमेंट देखिए, जैसे कि ये 42 साइज से 42 का चौथा हिस्सा रखूंगी, तो यहाँ से देखिए कितना तक लेना है। चलिए यहाँ से 10.5 लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से 1.5 इंच तक लिया है। चाहो तो आप इससे ज़्यादा रखना है तो इससे ज़्यादा भी ले सकती हो। तो चलिए अभी कमर का मेजरमेंट लेना है। हमेशा साइज से 1 इंच कम कर कर ही कमर का मेजरमेंट लेना है। इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ मैंने ले लिया है। तो यहाँ से देखिए हमेशा 1/2 इंच का लगभग इस तरीके से शेप मिला देना है। चाहो तो देखिए इसमें आप मेजरमेंट लेकर भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर आइडिया से लगाया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ पर बैक साइड पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए इसको काट कर लूँगी। काट देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चौक का निशाना दिया है उसी निशाना का बराबर काट करूँगी। देखिए इससे ज़्यादा भी काटिंग नहीं करना है। बैक पार्ट का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए फ्रंट साइड काट करने के लिए फिर से अस्तर को इस तरीके से 2 फोल्डिंग करके लेना है। तो चलिए अभी काटा हुआ बैक पार्ट को इसका ऊपर में रखना है। इस तरीके से काट करने से पहले बैक पार्ट काट करके बाद में फ्रंट साइड काट करने से बहुत ही ईजी होता है। देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से रख रही हूँ, काटा हुआ पार्ट को इसका ऊपर में रख कर इसी के हिसाब से पहले निशाना लगा कर लेना है। जिस साइड पे जॉइंट साइड है उसी साइड की तरफ से आर्मोल का पार्ट को रखना है और जिस साइड में ओपन साइड है उसी साइड की तरफ से नेक का साइड को रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है मैंने इसके हिसाब से निशाना लगा लिया और यहाँ से 1/2 इंच का लगभग इस तरीके से डाउन करना है। और चलिए यहाँ से कितना तक लेना है, फिर चलिए यहाँ से भी पहले जैसा ही 7 इंच का नेक डीप रखूँगी और देखिए 1 इंच पे और एक निशाना लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर 2 निशाना लगाया, एक 7 इंच में और एक 6 इंच में। तो चलिए फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच तक लिया है, आपका से ज़्यादा हैवी होने से 2 इंच तक लेना है। तो चलिए यहाँ से बस पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। आपका बस पॉइंट जितने इंच तक आता है उसी के हिसाब से लेना है। यहाँ पर देखिए 12 इंच तक इसका बस पॉइंट आता है और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1/2 इंच, तो टोटल 12.5 इंच का बस पॉइंट रखूँगी मैं यहाँ से। फिर चलिए यहाँ से फ्रंट नेक को शेप लगा देना है। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से राउंड में मिलाकर शेप लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए 3.5 इंच तक बराबर है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर राउंड नेक का शेप लगा लूँगी। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप चाहिए तो थोड़ा अंदर की तरफ से ज़्यादा करके लगाना है। और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा मैंने 1.5 इंच तक लिया है, तो इसी को देखिए क्या करना है। तो उसी को लेकर मैं यहाँ अभी यहाँ से कतरी का मेजरमेंट रखूँगी। सबसे पहले यहाँ से किनारे से देखिए 4.5 इंच का मेजरमेंट ले लेना है। उसके बाद जितना तक यहाँ पर मिलता है ये पूरा का कतरी का मेजरमेंट हो गया है। यहाँ से टोटल 10.5 इंच तक मिलता है। मैंने यहाँ पर मिडल बराबर काट कर लिया है और यहाँ से देखिए 1 इंच तक उठाऊँगी कतरी के सेप। यहाँ से भी 1 इंच तक उठाऊँगी। आपको और भी चाहिए तो यहाँ से और 1/2 इंच उठा सकते हो, आप अपने हिसाब से उठाना है।
फिर देखिए इस पॉइंट को यहाँ से जो 6 इंच में और एक निशाना लगाया है उसी के हिसाब से यहाँ पर बराबर कर मिलाऊंगी। देखिए इसमें भी थोड़ा आइडिया लगाना होता है, तो जितना आप यहाँ पर आइडिया लगाएगा उतना ही आपका शेप भी अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस शेप को मिला देना है। अगर ये शेप अच्छा नहीं होने से फिर से दोबारा शेप लगाना है। और यहाँ से देखिए 6.5 इंच तक रखूँगे अर्मुल का साइड की तरफ से, देखिए इस तरीके से। उसके बाद चलिए कतरी के लिए और एक पार्ट मेजरमेंट लेना है। यहाँ से 1/2 इंच तक डाउन करूँगी और इस साइड से देखिए 1.5 इंच तक डाउन करूँगी। देखिए यहाँ से मिडल बराबर मिला देना है। देखिए दोनों कतरी का पार्ट एक जैसा हो गया है। तो चलिए अभी यहाँ से 4.5 इंच दे तो 5 इंच तक रखूँगी। मैं यहाँ से 5 इंच तक ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, तो इसलिए मैंने 5 इंच तक लिया है। और यहाँ से 4.5 इंच तक बराबर मिला कर रखूँगी। इस अच्छे देखिए पहले जैसा ही 2.5 इंच तक ही रखूँगी। इस तरीके से यहाँ पर मैंने मिला लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट साइड भी पूरा पूरी यहाँ पर कंप्लीट है। तो चलिए अभी हम इसको काट करूँगी। कटिंग भी देखिए जिस तरीके से यहाँ पर चक का निशाना लगाया है उसी निशाना का हिसाब से यहाँ पर कटिंग होगा। तो चलिए अभी स्लिप का मेजरमेंट लेना है। स्लिप का मेजरमेंट यहाँ पर 9.5 इंच तक है। मैं यहाँ से 9.5 इंच के स्लिप का मेजरमेंट लूँगी और इस साइड से देखिए 7 इंच तक रखूँगी। फिर इसको मिला देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए स्लिप का मोहरी, आपका मोहरी जितने इंच तक आता है आप अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पर देखिए स्लिप का मोहरी आता है 6 इंच तक आता है, तो एक्स्ट्रा फेब्रिक 1.5 इंच तक लिया है। तो चलिए फिर इसको हम काट कर लूँगी। तो चलिए अभी युग पोती काट करूँगी। युग पोती को हमेशा बैक पैट का कमर के मेजरमेंट के हिसाब से ही काट करना है, जैसे कि ये फ्रंट साइड का कमर का बेल। तो चलिए यहाँ से बैक पैट का मेजरमेंट के हिसाब से ले लूँगी और इसके लिए अलग से मैंने पट्टी काट नहीं करूँगी, तो इसलिए एक ही साथ में काट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से 6 इंच तक लिया है और एक ही साइड की तरफ से 5.5 इंच तक लिया है। इस तरीके से मिला लेना है। तो ये देखिए बीच में से थोड़ा सा इस तरीके से डाउन करते हुए मिला कर काट कर लेना है। अस्तर पे कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। ये देखिए ये नेक पुटी काट कर रही हूँ मैं। चाहे तो इसको आप उरेप भी काट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर सीधा काट किया है। तो चलिए अभी फैब्रिक पे काट करूँगी। फैब्रिक में काट करना बहुत ही इजी होगा। तो चलिए
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकती है मैंने कितना इजी तरीके से आप लोगों को 42 साइज डबल कटरी का ब्लाउज कटिंग करने का सही तरीका बताया है। आप लोग भी इसी तरीके से कटिंग कीजिए, आपका ब्लाउज भी इस ब्लाउज को जैसे ही परफेक्ट ब्लाउज होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।